सफर के हमने अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हमने रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमने अपनी मर्जी से कहाँ सफर के अविनाश शिवानी को बेस्ट डायरेक्टर के लिए रोहित के नॉमिनेट होने की खबर सुनाता है। विजय कुमार अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि रोहित के नॉमिनेशन पर उसे कोई हैरानी नहीं है, वो होनहार तो था ही और उसके टैलेंट पर भी उसे कभी कोई शक नहीं था, लेकिन एक चीज होती है लेख और तुम उसमें विश्वास करना शुरू कर दो। शिवानी को रोहित के साथ गुजरे हुए वो दिन याद आते हैं जब रोहित के सपनों में वो उसके साथ हुआ करती थी और रोहित कहता था जिस दिन उसे अवार्ड मिलेगा वो स्टेज पर जाकर ये कहेगा कि मेरी इस कामयाबी के पीछे एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ है जिसने हर कदम पर मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, और वो है मेरी बीवी शिवानी। अवार्ड जीतने पर रोहित जब स्टेज पर आता है तो वो वही बातें दोहराता है जो उसने शिवानी से कही थी, पर अब शिवानी की जगह गायत्री है। शिवानी रोहित के घर उसे मुबारकबाद देने के लिए फोन करती है, लेकिन गायत्री के फोन उठाने पर वो कुछ नहीं कह पाती। वही बात क्या है, आजकल हमारी बीवी ऑफिस बहुत लेट जाने लगी है। ऐसे ऐसे ही है, ऑफिस से निकाल कर तो नहीं ना? सब शाम का खाना यार जो तेरी दीदी को पसंद हो वही खा लेंगे। बाय बाय। अच्छा साहब, ड्राई क्लीनर के पास जा और चादरें, पर्दे और टॉवल्स लेकर आ। जा आधे घंटे के बाद, 5 मिनट के अंदर मुझे ऑफिस जाने के पहले पता मिले। जाओ कीजिए प्लीज। तब आप कहाँ थी जब इस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ? अब अपने मजे में ऐसे शामिल होते कि बस। तब अगर अपने आप से ज्यादा अगर बच्ची में ध्यान दिया होता तो यहां पर आना नहीं पड़ता। प्लीज प्लीज नाउ डोंट टॉक टू मी। हम कोशिश कर रहे हैं सिस्टर, प्लीज ऑपरेशन की तैयारी। फ्रैक्चर कंफर्म। Please don't cry. Please, what's it? Excuse me. Oh, sir. Oh, Dr. Girish. Yes. Hi, I'm Avinash. Yeah. Avinash? Yeah, nice to meet you, I'm in a hurry. Oh, my Shivani ka Avinash. Oh. अब है शिवानी के अविनाश जो हो ऐसा बोलो ना कि शिवानी के अविनाश। लगता है कि मुझे अपना नाम सारा चमकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी मुझे जानता है सब शिवानी का अविनाश कहकर ही जानते हैं। बड़ा मन होता है यार कि लोग कहें अविनाश की शिवानी। बिल्कुल, तो आज से शुरू कर देते हैं कि भाई कैसी है आपकी शिवानी अविनाश साहब। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसने तुमसे मिलाया नहीं तो आज मैंने तुम्हारा वार्ड पूछा, तुम्हारा फ्लोर पूछा और आ गया तुमसे मिलने। यकीन करो, मानोगे तो ये सरप्राइज मीटिंग जो है ना, ये मैं तुम्हें आज देने ही वाला था, लेकिन ये लास्ट मोमेंट केस। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत नाराज हो रहे थे। नाराजगी असल में उन पर नहीं थी, अपने आप पर थी। बताओ यार, 5 साल किसी बच्ची की उम्र नहीं होती कि उसका बोन फ्रैक्चर हो जाए और किसी मेजर सर्जरी के लिए, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका बाप किसी पार्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था, उसकी माँ किसी को डायमंड दिखा रही थी, और उसकी आया जिन्हें मैं आजकल की डुप्लीकेट मदर कहता हूँ वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। ये नाराजगी मेरी अपनी है, लेकिन तुम्हारे
परेशान होने से कुछ भी नहीं बदलेगा डॉक्टर, जानता हूँ। अच्छा जाने दो, ये बताओ तुम खाने पे कब आ रहे हो? आज 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 करते हो, लेकिन आते नहीं हो। उस दिन भी शिवानी से कहा कि मैं आऊंगा और आए नहीं, उल्टा शिवानी को ले गया और बड़ी देर तक तुम लोग। उस दिन रोहित के साथ जो बैठ गया वो कब वक्त बीता पता ही नहीं चला, फिर धूप से अंधेरा हो गया। मैं रोहित के साथ सो गया। चलो ठीक 5 बजे आ गए, सो जाता अपनी फैलम को तुम्हारे घर दिखाएंगे। कैंडल लाइट घर आने के बाद पता चला कि मैडम का कोई बहुत पुराना दोस्त आया हुआ है और वो उनके साथ ठीक 5 मिनट। अरे गिरीश आया था, 5 साल के बाद मैंने उसकी शक्ल देखी, अचानक सुबह सुबह आ गया। अरे भाई तो है कहाँ वो, उसे भी ले आती ना, ले खातिर ही करते हैं अपने दोस्त को। वो चला गया, बड़ा मन कर रहा था उसका तुमसे मिलने का। याद आया कि मैं वहां कुछ काम पेंडिंग छोड़कर आया था, मुझे जाना पड़ेगा यार, लेकिन तुम मुझे फोन जरूर करना और खाने पे कब आ रहे ये बताना। ओके बाय। वो ठीक कहती है गिरीश, हमारी जिंदगियां अब अकेली नहीं है, हमारे साथ कुछ और जिंदगियां भी जुड़ी हुई हैं, जो हमारे सही और गलत कदम पर बहुत निर्भर करती हैं। इसका मतलब है रोहित, अपनी अपनी जिंदगियों के साथ समझौता है ना? जिंदगी और क्या है गिरीश, ये पूरा सफर मां की गोद से लेकर शमशान की गोद तक का है, जिसमें आदमी ये सोचता है कि मैं आजाद हूं, वैसा सोचता है गिरीश, पर ये पूरा सफर बहुत सारी बंदिशों के साथ तय करता है आदमी। समाज की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक एक कदम आगे चलता है, इसी को तो समझौता कहते हैं। मतलब क्या, इंसान जो चाहे वो उसे कभी ना मिले, और मिले भी तो किस कीमत पर? पर गिरीश, इंसान चाहता ही वो है जो उससे बहुत दूर है। गिरीश, जन्नत दूर से ही अच्छी लगती है, जरा वहां घर बसा के देखो, अच्छाइयों से मन उब जाएगा तुम्हारा। शिवानी ने फोन किया अवार्ड मिलने पर। हेलो, हेलो रोहित, मैं शिवानी। कल बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर टीवी पर। सच?
कल तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। तुमने सूट पहनना कब से शुरू किया? गायत्री की जिद थी कि मैं अवार्ड लेते समय सूट पहनूं। गायत्री भी कल बहुत अच्छी लग रही थी, सबसे ज्यादा सुंदर। शिवानी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जो कुछ बोला करता था वो एक दिन सच हो जाए। पर मुझे मालूम था और यकीन भी था, इसलिए तो मैं हमेशा तुमसे कहा करती थी कि जो भी सोचो सोच समझ कर सोचो, क्योंकि वो पूरा हो जाता है। याद है शिवानी, सब कुछ याद है। दीदी, वो ड्राई क्लीन में तो कपड़े दिए नहीं, बोलते परसों आना, मेरा बहुत झगड़ा हो गया उसके साथ। ठीक है, तू अंदर जा। बातें कर रहे थे फोन पर। तुम काफी देर से ट्राई कर रही हो। हाँ, 40 मिनट से। और तुम बातें किसे कर रहे थे? यूं ही लोग मुबारकबाद तो देते ही रहते हैं। फूल कर फट मत जाना। वो उम्र चली गई गायत्री। यूं मन किया, कुछ कहने का मन किया। क्या? कल तुम बहुत अच्छे लगे सूट में। लाइफ में कभी नहीं पहनूंगा। वो देख लेंगे। विक्की, तुम्हारा मुझसे झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें वहां जाना था तो मुझे बता देते, क्या मैं तुमसे नाराज होती? देखो विकी, तुम्हारा मेरा दोस्त होना और रोहित का दोस्त होना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं रोहित की दुश्मन नहीं हूं, बल्कि उसकी जीत की खुशी जितनी मुझे हुई होगी उतनी तो शायद। शिवानी, I'm sorry. I'm really very sorry. शिवानी, मैं तो शायद चाहता भी नहीं, पर नीलू ने जिद की। तो तुमसे ये बात मैंने छुपा कर इसलिए रखी कि शायद तुम्हें दुख न पहुंचे। शिवानी, इस दिन का इंतजार हम सब ने मिलकर इकट्ठे किया था, और शायद रोहित की कामयाबी के सपने हम सबसे ज्यादा तुमने देखे थे, और आज जब उसे कामयाबी मिली तो हम सब वहां थे, सिर्फ तुम अकेली रह गई शिवानी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो विकी? कल मैंने उसकी जीत की खुशी उसे दूर रहकर भी उतनी ही महसूस की जितनी कि मैं उसके करीब रहकर करती। फासलों का अभी जज्बातों पर कोई असर नहीं पड़ा विकी। हाय। हेलो।
क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर इतने चुप चुप क्यों हो? मैं और चुप नहीं, वो क्या है, मैं थोड़ा सा समझें, मेरे लिए गीजर ऑन कर देना और मेरा टॉवल लेकर आना ऊपर। जी बहुत कुछ सैमसन, तुम जाओ, मैं खुद कर दूंगी। क्या बात है अविनाश? कुछ भी तो नहीं शिवानी। नहीं कुछ तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। कैसा नहीं करता शिवानी, ये तो बस बस दिन भर की थकान है। मेरी कसम खाओ। कसम नहीं शिवानी, कसम नहीं, ना ही मैं कसम खाने में विश्वास रखता हूँ और ना ही तुम्हें खाने देता हूं। हाँ अगर अगर यकीन कर सको तो मान लो। तो फिर मुस्कुराओ। आज आप जरा जरा सा लेंगे? आज नहीं शिवानी। आज तुमने ठीक से खाना क्यों नहीं खाया? पता नहीं शिवानी, मन कुछ सुबह से ऐसे ही रहा है। क्या बात है मुझे बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। शायद नहीं शिवानी, यकीनन यकीनन सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तो फिर बताओ ना। वक्त आने पर। ठीक, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं। नींद उड़ जाएगी शिवानी। ठीक है ना, काम करना बैठ कर। काम करने का भी मूड नहीं है, सोचता हूं जाकर सो जाऊं। गुड नाइट शिवानी।
चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर कासी, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर कासी, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम, रुख हवाओं का जिधर का है उधर गए हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के।